नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मयूर गांधी, जर्नी पार्टनर ऑफ योर फ्रेंचाइजी एक्सपांशन रीजनल टू ग्लोबल कंपनी से। आज आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी, एक फ्रेंचाइजी ऑप्शंस के बारे में कुछ चीजें बताने से पहले मैं उस शख्सियत से आपको मुलाकात कराने जा रहा हूं कि जिन्होंने इस इंडस्ट्री में एक अनोखा कदम बढ़ाया है इस इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए। इंडिया की ये ऑन ग्रोइंग एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसके आप भी फ्रेंचाइजी पार्टनर बनकर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। ये एक ऐसा अनटच पोटेंशियल मार्केट है क्योंकि ये टू व्हीलर मल्टी ब्रांड टू व्हीलर सर्विस सेंटर की एक अनोखी अपॉर्चुनिटी है कि जिसमें आप इनके फ्रेंचाइजी पार्टनर बनकर बहुत ही एक बड़ा बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हो। अब हमेशा किसी ना किसी बिजनेस के पीछे कोई एक आदमी और उस आदमी की हार्डवर्क, उसकी पैशन और उसकी एक सोच और क्रिएटिविटी रहती है। तो मैं आपसे मुलाकात कराने जा रहा हूं उस शख्स की कि जिन्होंने अपने जीवन के 10 से 12 साल केवल और केवल इस टू व्हीलर इंडस्ट्री को दिए हैं, जिसका आप सीधा फायदा उठा सकते हैं इनके फ्रेंचाइजी पार्टनर बनकर। अब टू व्हीलर की अगर बात करूं तो आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान आज की तारीख में दुनिया का एकलौता देश है जिसकी पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। इसका मतलब सीधा ये हुआ कि इस सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में सबसे ज्यादा टू व्हीलर यूज होते हैं और ये सारे टू व्हीलर का बेनिफिट, इसके बिजनेस का बेनिफिट अगर आपको सीधा पाना हो, चाहे आप टू व्हीलर इंडस्ट्री से हो या ना हो, चाहे इस डोमेन के बारे में आपके परिवार से कोई जुड़ा हो या ना हो, पर इनके फ्रेंचाइजी पार्टनर बनकर एक शानदार बिजनेस आप एस्टैब्लिश कर सकते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आइए मैं सीधा आपकी मुलाकात कराता हूं मिस्टर कौशल नायक, जो बिलिमोरा से है। इनकी कंपनी के बारे में बोलूं तो सर्वोऑल इनकी कंपनी का नाम है। सर्वोऑल का मीनिंग आप समझ सकते हैं, पूरी दुनिया को सर्व करने का एक निर्णय लेकर इन्होंने इस कंसेप्ट की शुरुआत करी है। सो बात करना चाहूंगा कौशल नायक जी से। सो कौशल जी, सबसे पहले नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मयूर भाई, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस पॉडकास्ट में मुझे शामिल करने के लिए। थैंक यू सर। सर मैं जानना चाहूंगा कि आप बेसिकली कहां से हैं और थोड़ा सा आपके बारे में परिचय दीजिए ऑडियंस को। मैं बेसिकली बिलिमोरा नाम के एक छोटे से टाउन से हूँ। ओके। जो साउथ गुजरात का एक इलाका है वहां पे है, और मैं पेशे से ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ। ओके। और सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है सर। एंड आपकी कंपनी सर्वोऑल के बारे में अगर कुछ दो शब्द बोलेंगे तो? जैसे कि आप, मैंने बताया कि जैसे कि मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से काफी सालों से जुड़ा रहा हूँ। मैंने मेरे करियर की शुरुआत काफी सारी कंपनियों में काम करके की थी। मैंने कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री में काम किया, पैसेंजर कार इंडस्ट्री में काम किया, लेकिन जब खुद का बिजनेस स्टार्ट करने की बारी आई तो मेरे पास इतना बड़ा कैपिटल नहीं था कि मैं कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकूं। तो एक आइडिया आया उसी चैलेंज से कि ये जो टू व्हीलर मार्केट है, वो जैसे कि आपने शुरू में बताया, इंडिया का टू व्हीलर मार्केट वर्ल्ड का सबसे बड़ा टू व्हीलर मार्केट है, और टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसिंग दोनों वर्ल्ड वाइड इंडिया सबसे ज्यादा कर रहा है। right. तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसी इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस स्टार्ट किया जाए। तो मैंने शुरू में खुद भी बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए थे टू व्हीलर को लेके, क्योंकि इंडिया का कोई भी आदमी हो उसको अपने टू व्हीलर से बहुत लगाव रहता है। जी, हमारे गुजराती में वैसे कहावत भी है
गाड़ी और लाड़ी दोनों दिल के बहुत करीब होती है। करेक्ट। सो टू व्हीलर के प्रति लगाव तो बहुत ज्यादा रहता है, बट अगर जब हम टू व्हीलर मेंटेन करने की बात करें तो हमारे पास कोई अच्छा ऑप्शन नहीं रहता। मार्केट में आपको बहुत सारे लोकल मैकेनिक्स मिल जाते हैं, बट किसी को आप एक्सपर्ट नहीं कह सकते। उसी के सामने बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं, ट्रांसपेरेंसी का प्रॉब्लम है, जेन्युइन स्पेयर्स का प्रॉब्लम है, और कस्टमर कन्वीनियंस नाम की चीज कहीं भी नहीं है इस इंडस्ट्री में, जो हम और ऑटोमोबाइल्स में देखते हैं। जैसे कि आपके पास एक मारुति कार है और उसको आप अपनी उसको आप सर्विस करवाने के लिए जाएंगे तो आपको एक प्रॉपर यूजर एक्सपीरियंस मिलेगा, दिया जाएगा। लेकिन अगर आप वही कस्टमर के पास टू व्हीलर होगा और वो अपना टू व्हीलर सर्विस करवाने के लिए जाएगा तो वहां पे उसे कमोडिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो यही प्रॉब्लम को देखते हुए हमने टू व्हीलर कस्टमर के एक्सपीरियंस को और बड़ा करने के लिए और अच्छा करने के लिए ये कंपनी को एस्टेब्लिश किया था। और जैसे कि मेरे नाम में है, हमारा मोटो था कस्टमर को सबसे अच्छी सर्विस देना, तो हमने नाम रखा था उसका सर्वोल। सर्वोल सर, एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा इन बिटवीन। जैसे आपने बताया कि सर्विस नहीं मिलती है, पर जैसे मैंने अपनी टू व्हीलर ली थी, आज से 20 साल पुरानी बात है, और मुझे वो ऑथोराइज सर्विस सेंटर का कुछ कूपन भी मिला था तो मैंने यूज किया था, तो फिर सर्विस तो मिलती है ना फिर? देखिए, एक स्टैटिस्टिक के हिसाब से अगर मैं सर्वे की भी बात करूं, पहले तो मैं ये कह देता हूं कि ये जो टू व्हीलर इंडस्ट्री है इंडिया का, भले ही इतना बड़ा है लेकिन कंप्लीटली अनऑर्गेनाइज्ड है। क्या बात, ठीक है। और एज पर द डेटा इंडिया में अगर बात करें तो एज पर द रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी डेटा 22 करोड़ टू व्हीलर इंडियन रोड्स पे घूम रही है, लेकिन उसमें से 85% टू व्हीलर्स जो है वो लोकल गैरेजेस में सर्विस हो रही है। मतलब ऑथोराइज सर्विस सेंटर में ये लोग नहीं जाते हैं? नहीं जाते हैं। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि डिमांड और सप्लाई, टू व्हीलर यूजर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, मेंटेनेंस की डिमांड बहुत ज्यादा है, मार्केट बहुत सारे टू व्हीलर्स हैं, बट उसके सामने अगर डीलर के इंफ्रास्ट्रक्चर और डिलीवरी की बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा पुअर है, यानी कि वो डिमांड को मैच करने के काबिल नहीं है। तो जो कस्टमर को अटेंशन नहीं मिल रहा डीलरशिप पे, वो कहीं ना कहीं थोड़ा अटेंशन ज्यादा मिलने की वजह से लोकल गैरेजेस में चले जाते हैं। जी, ये बात तो मैं भी मानूंगा कौशल जी। जैसे मैंने भी शायद ही वो कूपन के बाद मेरे घर की कोई भी गाड़ी रिपीट करी होगी ऑथोराइज सर्विस सेंटर में, हम भी लोकल गैरेज की तरफ ही गए हैं। तो कौशल जी, मैं ये पूछना चाहूंगा दोस्तों, शायद आपको भी क्यूरियोसिटी होगी कि आपने टू व्हीलर सर्विस इंडस्ट्री का ही डोमेन क्यों चुना, क्यों ये बिजनेस सिलेक्ट किया आपने? मयूर भाई, आपके पास कौन सा टू व्हीलर है? मेरे पास एक्टिवा है। एक्टिवा, और उसको आप कितने साल से यूज कर रहे हैं? मैंने 6 साल हो गया। 6 साल में मेरे ख्याल से आपने 15-20 सर्विस करवाए होंगे। मोटा मोटी साल में 2-3 पकड़ के चलो तो वही हुआ। ओके, उसमें से कितने सर्विसेज आपने डीलर के पास जाके करवाए? डीलर माने ऑथोराइज सर्विस सेंटर्स, वो जो कूपन मिली थी ना जिसमें प्री सर्विसेज पहली 3 या 4, मुझे तो ये भी याद नहीं है कितनी, 3 या 4 कितनी देते हैं, बस वो मैंने वहां कराई थी। तो उसके बाद आपने कहाँ पे सर्विस करवाना स्टार्ट किया? मैं वो मुन्ना गैरेज, मतलब हमारे पास में एक लोकल गैरेज है। तो डीलर को ऑथोराइज सर्विस पार्टनर को छोड़ के आपने मुन्ना के पास जाना क्यों पसंद किया? अरे यार, उधर मतलब क्या है, सुबह 9 बजे से पहले मुझे गाड़ी रखना है, फिर वो मतलब वो अगर लेट हो गए तो मेरे को 2 बार ऐसा हो गया कि फिर मैं लेट हो गया। अभी इतना टाइम तो हम लोग पंचुअल होते नहीं है। दूसरी चीज ये हुई कि वहां जाते हैं तो लाइन लगी होती है, फिर वो जो डिलीवरी है ना उनका, वो मतलब ऐसा नहीं कि आज दिया तो आज के आज हो जाए, और हमें तो पता भी नहीं होता, फिर उनका टाइम, ये किलोमीटर याद रखो, ये टाइम याद रखो, तो शायद इसीलिए मैं नहीं गया। मतलब बहुत सारा चीजें याद रखना पड़ता है। तो मयूर भाई, ऐसे ही 85% टू व्हीलर यूजर इंडिया में ऐसे हैं जो यही प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, और उसी की वजह से वो लोग लोकल गैरेजेस पे जा रहे हैं। मतलब मेरे जैसे 85% लोग, 85% बोल, 85% यानी कि नॉट ओनली 85%, ये अगर नंबर्स में बात करें तो ये करीब 15 करोड़ से भी ज्यादा कस्टमर्स होंगे इंडिया के अंदर जो लोकल गैरेजेस में जाना पसंद करते हैं। ओ माय गुडनेस, मतलब कि मैं सोच रहा था कि मैं अकेला वैसा हूँ कि जो मैं लोकल गैरेज में गया हूँ, वैसे बहुत सारे, मतलब 85% बहुत सारा नंबर होता है 85%, तो इतना पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री में। बहुत बड़ा पोटेंशियल है वाकई में। और एक सवाल मैं और पूछूं कि जहां पे भी आप मुन्ना के पास जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं,
तो क्या आपको वहां पे सर्विस सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? मतलब सेटिस्फेक्शन मुझे मेरा टाइम कन्वीनियंट मिलता है, सर्विस का तो इतना सर मतलब मैं इतना जरूर बोलूंगा कि मैं गाड़ी हमेशा देता हूँ तब जब पेट्रोल होता है कम। करेक्ट। और क्यों? चोरी हो जाता है पेट्रोल। मुन्ना पे आपको ट्रस्ट नहीं है? मतलब तो वही हुआ, हम सब लोग वही करते हैं सर, मैं नहीं, सब लोग यही करते हैं। मुझे लोग मेरे दोस्त ने सिखाया था कि यही करना चाहिए। करेक्ट। और जो प्रॉब्लम्स आप मुन्ना को बताते हैं सारे सॉल्व कर देते हो? मतलब वो तो सर इतना सच बताऊं तो मैं भी खुद अवेयर नहीं हूं, बट ठीक है मेरा काम चल जाता है, मेरा टाइम बच जाता है, और ठीक है सर्विस कराना है तो अपन ने करा लिया तो बात खत्म हो गई। सो ऐसा ही प्रॉब्लम बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं, बल्कि मैं बताऊं कि मुन्ना आपके घर के पास है इसलिए आपका थोड़ा टाइम भी बच जाता होगा। इसलिए मैं मुन्ना के पास गया क्योंकि बाजू में वही है सबसे पहला। करेक्ट। बट आपको उसकी सर्विस से सेटिस्फेक्शन नहीं है और उसके अगेंस्ट में आपको एक ऐसा ऑप्शन मिला जो ऑथेंटिक सर्विस देता हो, जो जिसके पास मॉडर्न वर्कशॉप हो और आपको अच्छे से ट्रीट करे, पिकअप एंड ड्रॉप, ऑनलाइन बुकिंग जैसी फैसिलिटी दे। पिकअप एंड ड्रॉप मेरे घर से गाड़ी उठाएगा? करेक्ट। ऐसा पॉसिबल है? यस 100% पॉसिबल। तो ऐसा वो सर्विस बुक वाला नहीं किया मेरे साथ? हाँ, तो वो ही सर्विस देने के लिए हमने सर्वर को एस्टेब्लिश किया था। क्या बात है, मतलब आप डोर सर्विस देंगे? तो मतलब कि आप ये कहते हो कि आपका जो सर्विस सेंटर है वो मेरे घर से गाड़ी उठाएगा और मेरे घर पे सर्विस करके गाड़ी दे देगा? 100%। और इतना ही नहीं, आपको ये करवाने के लिए किसी को कॉल करने की भी जरूरत नहीं है, आप हमारे वेबसाइट पे जाके सीधा अपना सर्विस बुक कर सकते हैं। आपको कंफर्मेशन कॉल आएगा और दूसरे दिन जब भी आपने अपॉइंटमेंट लिया होगा हमारा एग्जीक्यूटिव आगे आपके घर से व्हीकल लेके जाएगा, सर्विस करके बाकायदा उसको रख के जाएगा आपके घर। तो फिर आप महंगे होंगे? ऑफ कोर्स नॉट। इसलिए तो मैं ऑथोराइज सर्विस सेंटर में गया नहीं क्योंकि लोकल में मैं ये भूल गया बोलना कि मुन्ना में थोड़ा सस्ता पड़ता था और वो बहुत महंगा पड़ता था, अफोर्डेबल नहीं। अब सर्विस ही कराना है और क्या कराना है, ऑयल चेंज कराना है, कुछ कार्बोरेटर क्लीन करते वो लोग, ब्रेक और क्लच चेक करते, तो मैंने फिर इसलिए मुन्ना को प्रीफर किया। तो आप वाला चार्जेस और ऑथोराइज सर्विस सेंटर में और मुन्ना के चार्जेस में क्या फर्क पड़ता होगा? आप मुन्ना के पास अगर अपना व्हीकल सर्विस के लिए लेके जाते हैं तो आपका कितना लेबर चार्ज करता है वो? करीब 300-350। और फिर वॉशिंग का? वॉशिंग का 100-150 रुपया और जोड़ लो। और कितना हो गया वो मिला के? 500-600 रुपए के आसपास। अगर आप सरोवर के किसी भी सर्विस सेंटर पे चले जाएंगे वहां पे सर्विस चार्ज स्टार्ट होता है 399 रुपीज से, मतलब 400 रुपीज। 400 रुपीज। और प्लस उसमें एडवांटेज ये है कि हमारे पास एक फैमिली एएमसी नाम का प्रोडक्ट है जिसमें आपको एक सर्विस ओनली एंड ओनली 250 रुपीज में मिल जाएगा विद पिकअप एंड ड्रॉप, ब्रेकडाउन फैसिलिटी एंड अदर डिस्काउंट्स। और वॉशिंग का अलग से? वॉशिंग इज इंक्लूडेड। मतलब आप बोल रहे हो कि 250 रुपीज में आप मुझे सर्विस करके दोगे गाड़ी को वॉश करने के साथ? करेक्ट। तो दोस्तों ये आपको सुन के जैसे मैं अभी हैरान हुआ वैसे आप भी हैरान हुए होंगे, क्योंकि अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी है तो फिर तो आपका मॉडल बहुत सही मॉडल है सर। बस तो इसका मतलब ये हुआ कि तो फिर आप लॉस में बिजनेस करते हो? क्यों लॉस में करेंगे, बिजनेस कोई लॉस में नहीं किया जाता, बल्कि मुन्ना आपसे ज्यादा पैसा चार्ज कर रहा था, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपसे कम चार्ज कर रहे हैं। ओह, सो इट मींस कि ये 250 रुपीज में भी आप अर्न कर रहे हो? 101%। तो पूछना चाहिए कि नहीं, मुझे पता नहीं है, मतलब किसी से इनकम पूछना नहीं चाहिए। तो सर ये इंडस्ट्री में फिर मार्जिन कितना होगा इसमें? अगर हम लेबर और स्पेयर दोनों को मिला के बात करें तो ग्रॉस मार्जिन बनता है 50-60%। क्रॉस मार्जिन 50-60% का बिजनेस है? यस yes। देखो दोस्त, ये बहुत ही समझने और जानने वाली बात है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतना जबरदस्त पोटेंशियल, इतने सारे कस्टमर और ऊपर से इतना बड़ा मार्जिन, तो मतलब ये तो काइंड ऑफ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी हो गया। 101%, ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जिसको आज तक किसी ने देखा नहीं है। हाँ ऑलमोस्ट, क्योंकि मैं खुद ही पहली बार सुन रहा हूँ आपके मुंह से। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई भी कर सकता है ये बिजनेस? कोई भी कर सकता है इसको। इसके लिए आप किसी को भी टेक्निकल एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो ये सारी चीजों की ट्रेनिंग और पूरा सपोर्ट हम हमारे सारे चैनल पार्टनर्स को देते हैं। यानी कि अगर आप किसी और डोमेन से या और किसी बिजनेस फील्ड में एक्सपीरियंस लेके भी आ रहे हैं तो हम आपको केपेबल बनाते हैं इस बिजनेस को करने और रन करने के लिए विद अ
प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल। अब मैं छोटा सवाल पूछ लेता हूं दर्शकों के लिए, क्योंकि उनको भी एक क्लेरिफिकेशन मिलना इतना ही जरूरी है कि मान लीजिए मेरा भाई है जिनके लिए मैं कुछ बिजनेस ढूंढ रहा हूँ, वो बीकॉम ग्रेजुएट है, क्या वो इस बिजनेस को रन कर सकता है? 100% की कोई बीकॉम ग्रेजुएट है, कोई साइंस ग्रेजुएट है, नॉन टेक्निकल है। तो कौशल जी, इतना ह्यूज पोटेंशियल इंडस्ट्री आपने जब सोची लिया, तो अब दर्शकों को ये बताइए कि आपने इसकी शुरुआत फिर कब करी और कैसे करी? 2015 के अंदर मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की थी। और एक चिकली नाम का छोटा सा गांव है या टाउन है जिसको बोल सकते हैं, वहां से मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी। ओके। और मुझे सक्सेस मिली, मैंने अच्छे से मेरे कस्टमर्स को सेटिस्फाई किया, सक्सेस मिली, तो मैंने और दो आउटलेट भी लगाए नजदीकी एरिया में, उनको भी सक्सेस मिली, वैलिडेट हो गया, तो फिर कारवां और आगे बढ़ा। क्या बात है, फिर तो आपको तो फिर ऐसा हो गया कि दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की की होगी, तो आप तो फिर मजे में आगे होंगे जब इतना जबरदस्त आइडिया आपने बिजनेस में अप्लाई कर दिया, तो कि फिर आपको कोई चैलेंजेस भी आया इसमें? 100% मयूर भाई, देखिए बिजनेस स्टार्ट करने का, बिजनेस रन करने का एक अलग ही मजा होता है। सही बात है। और उसे उसमें चैलेंजेस फेस करने का भी एक अलग ही मजा होता है। डेफिनेटली। तो ऐसा नहीं कि मेरी जर्नी बहुत ही इजी रही, बहुत सारे चैलेंजेस थे शुरू शुरू में जब मैं नया नया बिजनेस में आया था, जब मैं बिजनेस को एस्टेब्लिश कर रहा था, कौन से टूल्स इक्विपमेंट्स को यूज किया जाए, कैसी कैसी सर्विसेज ऑफर की जाए, क्या रेट्स रखे जाए, मैन पावर को कैसे हायर किया जाए, उसकी मार्केटिंग कैसे की जाए, जगह कैसे सिलेक्ट करें, ट्रेनिंग कैसे दे मैन पावर को, ये सब हो जाने के बाद मैन पावर को रिटेन कैसे करें, कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे करें, तो बहुत सारी बिजनेस के विद इन भी बहुत सारी चैलेंज थी। ऊपर से मेरा एजुकेशन थोड़ा अच्छा था, मैं इंजीनियरिंग बी इंजीनियरिंग किया था मैंने, उसके बाद मैंने MBA भी किया था, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया था, टाटा होंडा जैसी, तो सोशल प्रेशर भी बहुत ज्यादा था कि ये इतना बड़ा बड़ा काम करने के बाद टू व्हीलर का गैरेज क्यों स्टार्ट करना है। गैरेज, यस, बहुत डोमिनेटिंग वर्ड है गैरेज। तो जो भी हमारी सोसाइटी है उसके दिमाग में ये है कि टू व्हीलर का गैरेज यानी कि जैसे कि आपने बोला मुन्ना, एक किसी छोटे आदमी का काम है, छोटा काम है, बट काम कोई भी छोटा नहीं होता। मैंने टू व्हीलर इंडस्ट्री के अंदर काम करके भी खुद का वर्कशॉप एस्टेब्लिश किया, उसको मल्टीप्लाई किया, और आज आपके सामने बहुत सारे मेरे फ्रेंचाइजीज भी हैं जो अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। कितने फ्रेंचाइजीज है अभी आपका? So, अभी तक हमने 27 फ्रेंचाइज आउटलेट ओपन कर चुके हैं। एंड आई होप कि वो सारे ऑटोमोबाइल इंजीनियर होंगे। ऑफ कोर्स नॉट, हमारे ज्यादातर बल्कि 99% फ्रेंचाइजीज नॉन ऑटोमोबाइल डोमेन से आते हैं। क्या बात करते हो, मतलब कोई भी ये बिजनेस कर सकता है? 100% कोई भी ये बिजनेस कर सकता है, क्योंकि हमने हमारा ट्रेनिंग मॉड्यूल और हमारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ही ऐसे डिजाइन की है कि कोई भी इंडस्ट्री का बंदा अगर हमारे पास आता है, हम उसको 4 दिन के अंदर ट्रेन कर सकते हैं ये बिजनेस को रन करने के लिए। और कितना साल दिया होगा सर आपने इस यहाँ तक पहुँचने में? बहुत साल दिया, बहुत सालों का टाइम लगा ये सब चीजें डेवलप करने में, उसके एक्सपर्टीज डेवलप करने में, टीम डेवलप करने में। तकरीबन मुझे 5 से 7 साल लगे ऑन ग्राउंड कस्टमर्स के साथ रह के, टेक्नीशियंस के साथ रह के, वर्कशॉप में काम करके, ये सारी चीजें मैंने सीखी और फिर उसे धीरे धीरे अप्लाई करता गया, उसके मॉड्यूल्स बनाता गया, तब जाके ये मॉडल मेरा बन पाया। कौशल जी, एक और सवाल। यस। 2-3 आउटलेट तो आपके अच्छे से चल रहे थे, और जैसे आपने बताया पोटेंशियल बहुत सही है, तो बिजनेस भी आपका चंगा चल रहा था, तो मतलब एक जस्ट मुझे जानना है कि फिर आपके दिमाग में ये ख्याल क्यों आया कि अब मैं फ्रेंचाइजी बनाऊ, लोगों को समझाऊ, सिखाऊ, ये सब झमेला क्यों? मतलब शांति से आप तो अच्छे से कमा रहे थे, तो फिर ये फ्रेंचाइजी बनाने का विचार आपके दिमाग में क्यों आया थोड़ा सा अगर? तो इसमें ऐसा है कि बिजनेस के अंदर तो मैं आ गया, ठीक, बिजनेस स्टार्ट कर दिया, लेकिन हर एक बिजनेसमैन का सपना होता है कि उसका बिजनेस बड़ा हो जी। और जब आपके पास प्लेइंग फील्ड इतना बड़ा है, इंडस्ट्री इतना बड़ा है, तो मैं अपने आप को 2-3 फ्रेंचाइजी या 2-3 ब्रांच पे सीमित नहीं रख सकता था। ऑफ कोर्स इसमें बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं, ट्रेनिंग चैलेंजेस हैं, एग्जीक्यूशन चैलेंजेस हैं, सपोर्ट चैलेंजेस हैं, टीम बिल्डिंग का चैलेंज है,
बट ये चैलेंज अच्छे हैं क्योंकि हमारा विजन बड़ा है। हमारा विजन ये है कि ये जो 1.5 लाख करोड़ का सालाना टर्नओवर ये इंडस्ट्री का हो रहा है, इसमें ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करना। अभी तो हम इस इंडस्ट्री के बहुत ही छोटे से प्लेयर हैं, लेकिन हमारा फ्यूचर विजन ये है कि पूरे इंडिया में हमारे 1000 से भी ज्यादा टच पॉइंट हो, जहां पे टू व्हीलर कस्टमर्स को एक अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस मिले और अच्छी कस्टमर सर्विस मिले। क्या बात कर रहे हैं वो आप सर, मतलब 1000 टच पॉइंट मतलब 1000 फ्रेंचाइजी। करेक्ट। सो कौशल जी, 1000 फ्रेंचाइजी, आई मीन प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है? मयूर भाई, ये आंकड़ा जो है वो सुनने में इम्पॉसिबल तो लगता है शुरू शुरू में, डेफिनेटली, बट इंडिया वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री है। यस yes. उसी के साथ साथ इंडिया में अनऑर्गेनाइज मार्केट भी बहुत ज्यादा है। डेफिनेटली, अगर 1.5 लाख करोड़ का इंडस्ट्री है और वो भी टोटली अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री, आप हर एक गांव, हर एक सिटी में, हर एक गली नुक्कड़ पे एक टू व्हीलर गैरेज देखेंगे, लेकिन वो होगा अनऑर्गेनाइज। बट प्रॉब्लम ये नहीं है, मेरा सवाल है कौशल जी, सॉरी टू इंटरप्ट, बट हाउ यू विल मैनेज दोस, आई मीन 1000 फ्रेंचाइजी को एम्पावर कैसे करेंगे? I am coming to this. So, ये जो सारे एंटरप्रेनर्स हैं, ये जो बड़ी एंटरप्रेनर्स हैं जिनको अपना खुद का बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, वो लोग ढूंढ रहे हैं आइडिया या फिर ऐसा मॉडल जो एग्जीक्यूट करके उनको बेनिफिट मिल पाए, और हमारा एक्सपर्टीज उसमें है। हमने ये सालों की मेहनत से ये सीखा है कि एक टू व्हीलर वर्कशॉप चलाना क्या होता है, एक टू व्हीलर वर्कशॉप को कैसे सक्सेसफुल बनाया जाए, कैसे मैन पावर को रिक्रूट किया जाए, कैसे ट्रेनिंग दी जाए, कैसे कस्टमर को अच्छी से अच्छी टू व्हीलर सर्विस प्रोवाइड की जाए। तो ये जो सारी लर्निंग्स है हमारी, उसको हमने कन्वर्ट किया है हमारे सपोर्ट सिस्टम में। हमारे पास डेडिकेटेड ग्रोइंग टीम है, और जिसको हम और भी बड़ा करेंगे जैसे जैसे हमारा कैपेसिटी बड़ा होगा, ये टारगेट हमारे लिए इजी होता जाएगा। और मैं फ्रेंचाइजी इंडस्ट्री से काफी सालों से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने उस पर काफी रिसर्च वर्क भी किया हुआ है। तो अगर किसी बंदे को कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी फील्ड में अगर फ्रेंचाइज में वो इन्वेस्ट करना चाहता है, तो मैंने एक बुक ऑथर की है जो अमेजोन पे अवेलेबल है। क्या बात कर, 100%। और जिसमें आपको, यानी कि हमारे व्यूअर्स को, अगर समझना है कि कैसे किस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें, कैसे फ्रेंचाइज मॉडल को सिलेक्ट करें, कैसे ब्रांड को जज करें, कैसे असेसमेंट करें ये पूरे प्रोसेस का, तो ये सारी डिटेल्स आपको इस बुक में मिल जाएगी, तो उनके लिए ये भी इजी हो जाएगा। मैं जानना चाहूंगा कि वो बुक का नाम क्या है सर? उस बुक का नाम है गेट सेट गो, और वो अमेजोन पे अवेलेबल है। अमेजोन की बेस्ट सेलर बुक है इस सेगमेंट के अंदर। क्या बात करते हो, आई मीन फ्रेंचाइजी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उस बारे में आपने लिखा है। 100% लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, कैसे कैसे बिजनेस फ्रेंचाइजी के मॉडल रहते हैं, वो सारी डिटेल्स किसी भी बड़ी फ्रेंचाइजी इन्वेस्टर को ये पढ़नी चाहिए, ताकि उनको पूरी क्लैरिटी मिल सके। और उसी क्लैरिटी के साथ अगर वो हमारे पास आए, तो हमारे सिस्टम के थ्रू ये टू व्हीलर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वो 100% सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्या बात है सर, आपसे ये सुन के बहुत अच्छा लगा। और ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की फ्रेंचाइजी के बारे में बुक है? नहीं, 100% ये बहुत ही जेनेरिक बुक है, यानी कि अगर आपको कोई फूड फ्रेंचाइजी लेनी है, आपको कोई ऑटोमोटिव फ्रेंचाइज लेनी है, किसी भी इंडस्ट्री का, आपको रिटेल, सर्विस, किसी भी चीज की फ्रेंचाइज लेनी है, तो आपको ये बुक हेल्प करेगी एक राइट बिजनेस मॉडल और राइट ब्रांड को सिलेक्ट करने में। क्या बात है। तो दोस्तों, जैसे आपने सुना कि फ्रेंचाइजी की एक नींव जिसको कहते हैं, उसकी पकड़ कौशल जी के पास थी, तभी जाके वो, मतलब आप ऑथर भी है, ये सुन के मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं पक्का इस बुक को पढ़ना चाहूंगा। और अब बात करते मुद्दे की, तो लास्ट में दो सवाल मैं आपको पूछूंगा और इस सेशन को, आज की मीटिंग को एंड करूंगा। सबसे पहले कि कोई सर्वोल का फ्रेंचाइजी क्यों लेना चाहिए, किसी को भी क्यों लेना चाहिए सर? टू व्हीलर वर्कशॉप खड़ा करना बहुत ही इजी है। आप थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करेंगे और एक आधा मैकेनिक को आप रिक्रूट कर लेंगे, तो आपका टू व्हीलर बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। डेफिनेटली। बट ऐसे टू व्हीलर गैरेज स्टार्ट करने में आप भी भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे। ये जो इंडस्ट्री है वो रैपिडली इवॉल्विंग इंडस्ट्री है। आपने पिछले काफी सालों से देखा होगा कि इस इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी का यूजेज बढ़ रहा है।
BS4 से BS6 आया, BS6 के बाद BS6 फेज 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए, तो आपको कांस्टेंट हैंड होल्डिंग चाहिए टेक्नोलॉजी को गो थ्रू करने में। उसी के साथ साथ कस्टमर की डिमांड भी आजकल के एरा में चेंज हो रही है। जो कस्टमर पूरा पूरा दिन खड़ा रहेंगे जो टू व्हीलर सर्विस करवाता था, आज वो कस्टमर को चाहिए ऑनलाइन बुकिंग, आज वो कस्टमर को चाहिए कन्वीनियंट सर्विसेज, वो भी इफेक्टिव प्राइसेस में, यानी कि वैल्यू फॉर मनी चाहिए। तो ये सारी नीड को कैटर करने के लिए आपको चाहिए एक एक्सपर्टीज, और वो एक्सपर्टीज हमारे पास है जो हम आपको सिखा सकते हैं, ये ट्रेड सीक्रेट हमारे पास है जो हम आपको सिखा सकते हैं और आपको हेल्प कर सकते हैं ये भीड़ में स्टैंड आउट रहने के लिए। क्या बात है। तो दोस्तों, जैसे आपने सुना कि अगर आप भी कोई बिजनेस ढूंढ रहे हैं, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो आपके पास एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है एक मेंटर के साथ जो एक्सपर्ट है इस इंडस्ट्री के, और आसानी से आपने जो भी इन्वेस्ट करा है और आपने जो आपका समय, पैसा और जो आप अपने सपने देख के कोई भी बिजनेस करना चाह रहे हो, तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ये मल्टी ब्रांड टू व्हीलर सर्विस सेगमेंट की। लास्ट में जाने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन जो पहली मिनट से मेरे अंदर कूद रहा है। टू व्हीलर इंडस्ट्री डेफिनेटली बहुत पोटेंशियल इंडस्ट्री है, इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, सेल्स को ना चुनते हुए आपने सर्विस क्यों चुना? देखिए, सेल्स और सर्विस दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग है। मयूर भाई, आपके पास व्हीकल है जो आपने पिछले 7 सालों से चेंज नहीं किया, यानी कि आप एक ही बार उसे परचेस किया और आपका ट्रांजेक्शन वहां पे ही खत्म हो गया। हाँ, 7 साल से मेरा स्कूटी एक्टिवा है। करेक्ट, बट आप उस एक्टिवा को हर साल 3 से 4 बार अपने सर्विस सेंटर में लेके जा रहे हैं। यस, और हर बार आपका 2,000-3,000 रुपए का बिल हो रहा है एवरेज। तो डेफिनेटली, तो कस्टमर रिटेंशन यहाँ पे बहुत ज्यादा है। सर्विस सेल्स में कस्टमर एक बार आके वापस 5 साल या 10 साल के बाद आपके पास आता है, लेकिन यहाँ पे कस्टमर जो है वो बार बार आपके पास आता रहता है पीरियोडिक मेंटेनेंस के लिए, और उसके बाद नीड बेस्ड मेंटेनेंस तो अलग। जब भी आपका व्हीकल कहीं पे खराब हो जाएगा या कुछ दिक्कत आ जाएगी, तब तो आप 100% अपने मैकेनिक के पास या गैरेज में जाएंगे। यस, तो ये जो सर्विस इंडस्ट्री है वो रिलायबल इंडस्ट्री है, ये कंसिस्टेंट ग्रोथ आपको स्लोली और रैपिडली देता जाता है, यानी कि आपका जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी होता है वो कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहता है। ओह गुडनेस, आई मीन अभी ये चीज बहुत ही बढ़िया आपने बोली। दोस्तों, आसान लफ्जों में अगर मैं आपको बताऊं कि गाड़ी खरीदना और गाड़ी को मैनेज करना, मेंटेन करना, ये दोनों में फर्क है। गाड़ी खरीदने वाला इंसान बहुत सालों के बाद रिपीट होता है, जबकि सर्विस वो साल में 3 से 4 बार रिपीट होता है। तो एक ह्यूज पोटेंशियल इंडस्ट्री का ये बिजनेस है, और अगर आपको इस इंडस्ट्री में बिजनेस करना है और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है, तो ऑफकोर्स सरवाल की फ्रेंचाइज लीजिए। सरवाल की फ्रेंचाइजी अगर आपको लेनी है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कीजिए और आपको सरवाल की अधिक जानकारी मिलेगी, डिटेल में जानकारी मिलेगी। एक अच्छा बिजनेस का सपना लेने वाले सारे लोगों के लिए ये वीडियो है। मैं जरूर जाने से पहले चाहूंगा आप सब लोगों को कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आपके घर, परिवार, दोस्त यारों में जिनको भी कोई भी छोटा सा बिजनेस अगर स्टार्ट करना हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना। सो दोस्तों, बहुत अच्छा लगा, और कौशल जी नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। आज आपने अपना कीमती समय और आपकी जो आइडियाज दी है, एंड आई होप कि इनमें से सुनने वाले दर्शकों में से किसी एक के लाइफ में भी अगर आप छोटा सा बदलाव इस वीडियो के द्वारा हो गया तो ये आपका समय बहुत कीमती होगा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।